हेलो मैजिकल माइंड, वेलकम टू एडवर्टैप.कॉम। डियर, यहां पर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फुल रिवीजन के लिए मैं यहां पर 300 एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जिसपे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन हो जाएगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्ट का नाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डियर, इसमें कौन से ऑप्शन में आपका पूरा एक्ट का नाम विद ईयर करेक्ट है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके एक्ट का जो सही नाम है वो आपका ऑप्शन सी में गिवन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, ऑप्शन ए है अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, ऑप्शन बी है अ चाइल्ड ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी है अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी है अ चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर, आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है जो कि कमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा डियर, वो आपका आंसर होगा ए, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, इस चीज से रिलेटेड होता है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू, ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी नॉर्थ इंडिया ओनली, ऑप्शन डी साउथ इंडिया। डियर, आपको मालूम है कि ऑप्शन सी और डी जो है वो आपका आंसर नहीं होगा, ना तो सी होगा ना डी होगा। अब आपको ये याद करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। डियर, आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में एप्लीकेबल है, एक्सटेंड्स। राइट, आगे आते हैं। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो वहां पर कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? आंसर ए है 2 पार्टीज, आंसर बी है 3 पार्टीज, आंसर सी में आपको दिया है ऑप्शन 4 पार्टीज और आंसर डी में आपको ऑप्शन दिया है 5 पार्टीज। डियर, आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एग्रीमेंट की जरूरत होती है और एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? आप बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ए, कम से कम एग्रीमेंट के लिए 2 पार्टीज की जरूरत होती है, उसके बाद ही अगर और जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल होती है तब कहीं जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चनों पर। Contractual rights and duties are created by, option A state, option B statute, option C parties, option D custom or usage। अगर हम किसी contract की बात करें तो उसमें जो contractual rights और duties की बात की जाती है वो कौन create करता है? Dear, आपको मालूम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज के द्वारा क्रिएटेड किए जाते हैं और उसी की बात कॉन्ट्रैक्ट में क्या कही जाती है।
यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा सी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम देखें। एवरी कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस स्टेटमेंट ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, डी पार्शली करेक्ट। तो डियर यहां पे आपको मालूम है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन आपने पढ़ा था एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे पार्टीज का इंटेंशन हो कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहे, यानी कि जो डोमेस्टिक और सोशल नेचर के एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो कि जनरली कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं जहां पर पार्टीज का इंटेंशन होता है कि अगर उस एग्रीमेंट को के प्रॉमिस को फुलफिल ना किया जाए तो पार्टीज एक दूसरे को कोर्ट में ले जाएंगे, उस एग्रीमेंट से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यानी कि हर एक एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो हर एक एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि आपका यहां पर आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट जो है वो आपके किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो डियर आपको मालूम है एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन 2E का पार्ट है, सेक्शन 2 क्लॉज ई का पार्ट है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर ई जो है वो करेक्ट होगा। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पर सेक्शन 2 के साथ जो ई है उसको हम सब सेक्शन ना पढ़कर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज ई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an definition ke and kya likha hua hai kya banate hain। obvious si baat hai abhi humne padha section 2 clause e jo hai agreement ki baat karta hai, yani ki yahan pe aapka answer hoga b। यहाँ पे बात करते हैं एग्रीमेंट, ये जो सेक्शन है किसके बारे में बात करता है, ये एग्रीमेंट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 2000। This is said to be a or an agreement। Option B है proposal, C है acceptance, D है offer। Dear यहाँ पे आप देख रहे हैं A promise कर रहा है watch को deliver करने के लिए और B promise कर रहा है उसके price के, यानी कि यहाँ जो है offer भी है और उसके acceptance के तौर पे दूसरा promise भी किया गया है, यानी कि
यहाँ पर जो दो प्रोमिसेस एक दूसरे के कंसिडरेशन में किए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया है, एक एग्रीमेंट बन गया है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। एन एग्रीमेंट इज, यहाँ पर बोल रहे हैं एग्रीमेंट है ऑप्शन ए ऑफर, ऑप्शन बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, ऑप्शन डी। तो डियर आपको मालूम है एग्रीमेंट किससे बनता है, ऑफर और उसके एक्सेप्टेंस से बनता है। यहाँ पे जो एक दूसरे के लिए जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन 9 में देखा, वही आपका क्या है एक दूसरे प्रोमिस के लिए, वही आपका क्या है एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाता है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल ने ए ने वॉच देने का प्रोमिस किया है और उसके कंसीडरेशन के लिए बी ने जो है प्राइस देने का प्रोमिस किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एग्रीमेंट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए और दूसरा उसकी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बी में क्या बोल रहा है, अ कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सी में क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो डियर आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच में जो लिखी गई है वो आपको याद है। वहां पे डेफिनेशन दी गई है कि एक एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका डी जो है वो करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डियर इसका आंसर अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन 2 क्लॉज एच में, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा फॉल्स है यानी कि गलत है। An offer to be valid must. Offer, एक offer जो है कब valid होगा, क्या चीजें होनी चाहिए। Option A में क्या बोल रहा है, Contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. B में बोल रहा है, Intent to create legal relation. C में बोल रहा है, Have certain and unambiguous term. और D में बोल रहा है, be communicated to the person to whom it is made. तो dear आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक offer को आपको valid बनाना है तो B वाला option सही बोल रहा है। वहां पर parties का intention होना चाहिए legal relationship को create। C में बोल रहा है कि जो ऑफर की टर्म्स होनी चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए, अनएम्बिगस होनी चाहिए यानी उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है उस पर्सन तक ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑफर में कोई ऐसी टर्म जिसकी नॉन कम्प्लायंस आप बोलते हो कि वो एक्सेप्टेंस
फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर बी को बोला कि आप उनको कार जो है 1 लाख रुपीज में अपनी कार बेचना चाहते हो, क्या उनको ये एक्सेप्टेड है? और आपने मिस्टर बी को बोला अगर आपका 1 वीक तक रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये मानूंगा कि आपको ऑफर क्या है एक्सेप्टेड है। तो डियर यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशन लगाई? आपने एक्सेप्टेंस की ये कंडीशन लगाई कि अगर उन्होंने वीक भर में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि वो उन्होंने आपका ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। डियर इस ऑफर को हम वैलिड ऑफर नहीं बोलते। अगर आपने ऑफर में कोई ऐसी टर्म रखी है कि जिसको पूरा नहीं किया गया तो आप सामने वाले की क्या मानेंगे, एक्सेप्टेंस मानेंगे। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो ऑफर आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे जो है जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें पूछ रहे हैं कि एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट, एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। राइट, आगे आते हैं एमसीक्यू 14। ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट्स वाई टू डिनर एट हिज हाउस ऑन अ संडे, वाई हायर्स अ टैक्सी एंड रीचेस एक्स हाउस एट अ अपॉइंटेड टाइम बट एक्स फेल्स टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, कैन वाई रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम एक्स? ऑप्शन ए बोल रहा है यस, as Y has suffered. Option B बोल रहा है no, as the intention was not to create legal relation. Option C बोल रहा है either A or B, और option D बोल रहा है none of these. Dear, ये जो example है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये domestic nature का social nature का agreement, यानी कि यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो आपका बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं। अब आ जाते हैं एमसीक्यू 15 पे। 15 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ऑप्शन ए, इट इज एन एग्जॉस्टिव कोड कंटेनिंग द एंटायर लॉ, इट इज एन एक्ट टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एक्ट टू डिफाइन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ relating to contracts and contains only the general principles of contract. It is not an exhaustive code containing the entire law of contract, being an act to define and amend certain part of law relating to contract. अब dear, अगर हम इसमें best statement की बात करें तो आपका answer ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होना चाहिए। ये जो एक्ट है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये लॉ का एक सर्टेन पार्ट डिफाइन करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और केवल जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो जनरल नेचर का है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये आपका लॉ का एक पार्ट है, मर्केंटाइल लॉ का क्या है एक पार्ट है, और ये जो लॉ है उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या करता है, बात करता है। यानी कि आपका यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर सी।
Question number 16 पे आते हैं. Which of the following is a contract? A engages B for a certain work and promises to pay such remuneration as shall be fixed. He does the work. यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहा है कि ए जो है बी को एंगेज करता है एक सर्टेन वर्क के लिए और प्रॉमिस करता है कि जो भी रिमुनरेशन पे जो है वो उसे पे करेगा और बी इस काम को करता है. बी में ए प्रॉमिस करता है बी को मैरिज के लिए. सी में ए टेक्स अ सीट इन अ पब्लिक व्हीकल में ए एक सीट ले लेता है. डी में ए इनवाइट करता है बी को एक कार्ड पार्टी के लिए. बी एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन. डियर डी वाला ऑप्शन आपका सोशल नेचर का है. सी वाले ऑप्शन में ए ने बस एक सीट ली है पब्लिक मीटिंग पे, यहाँ पे कोई प्रपोजल या उसका एक्सेप्टेंस नहीं. ए बी को प्रॉमिस कर रहा है मैरिज के लिए, यहाँ पे भी सर्टेन में रिटर्न या रिवर्स के तौर पर कोई प्रॉमिस नहीं. ए में ए जो है बी को एंगेज कर रहा है कुछ किसी काम के लिए और उसे प्रॉमिस कर रहा है कि काम के बदले उसे रिमुनरेशन जो है वो मिलेगी. तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट का देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ए वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट. यहाँ पर ए ऑप्शन में बोल रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है agree upon the same thing in the same sense. Option B में जो बात कर रहे हैं put the offer and counter offers. C में बात कर रहे हैं stipulate their individual offer. D में बात कर रहे हैं agree with each other. तो dear अगर आप contract के थ्रू parties को bind करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो किसी एक चीज पे सहमत हो, एग्री करें और उनका सेंस भी क्या हो सेम. ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने कंसीडरेशन में पढ़ी हुई है जहाँ पे लिखा रहता है कि एक टर्म आता है कंसेंसस एट इदम कंसेंट टू द मैटर. यानी कि पार्टीज जो है वो दोनों पार्टीज जो है एक चीज पर क्या कर रही है? एग्री कर रही है. यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए. राइट, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस. ए में बोल रहा है ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए. बी में बोल रहा है ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट. सी में कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट पहले ही आ गया, एक्सेप्टेंस और ऑफर तो सबसे लास्ट में है. तो डियर सी तो बिल्कुल गलत है. डी में बात कर रहा है ऑफर है, कंसीडरेशन है, एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है. ऑफर के बाद डियर उसका एक्सेप्टेंस होता है, फिर कंसीडरेशन के तौर पे दूसरा प्रॉमिस होता है, उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. यानी कि और ए में एक आंसर भी गलत है क्योंकि इन्होंने दो बार ऑफर की बात कर दी है. तो आपका जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपका आंसर भी करेक्ट होगा क्योंकि पहले ऑफर दिया जाता है, उसके बाद सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, कंसीडरेशन के तौर पे वो प्रॉमिस करती है और इसके बाद वो जो दोनों प्रॉमिस होते हैं एक दूसरे के कंसीडरेशन बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है. क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहे हैं? गुड्स डिस्प्ले इन अ शॉप विंडो विद अ प्राइस लिस्ट विल अमाउंट. ए ऑप्शन है ऑफर, बी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, सी ऑप्शन है इनविटेशन टू ऑफर और डी ऑप्शन है काउंटर. डियर आपको मालूम है किसी भी शॉप पे जब कोई सामान रखा होता है विद प्राइस टैग
तो वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर है। अब आप उस सामान को लेकर शॉप कीपर जो शॉप का मालिक है उसके पास जाओगे और बोलोगे, आप ऑफर दोगे कि क्या आप हमें ये सामान बेचना चाहेंगे इस प्राइस पे। उसके बाद वो जो शॉपकीपर है वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है वो उसके ऊपर। यानी कि अगर किसी शॉप पे प्राइस टैग के साथ कोई सामान रखा हुआ है तो वो केवल और केवल किसकी बात करता है, इनविटेशन टू ऑफर की बात करता है, वो ऑफर नहीं होता है। राइट ईयर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर रहा है। व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज एन ऑफर, डी बोल रहा है एन ऑब्लिगेशन, सी बोल रहा है एन इनविटेशन टू ऑफर और डी बोल रहा है प्रॉमिस टू मेक अवेलेबल द बुक्स एट द लिस्टेड प्लेस। डियर यहाँ पे जो बुक का कैटलॉग है जो आपको प्राइस के बारे में बता रहा है और प्लेस के बारे में बता रहा है जहाँ पे लिस्टेड बुक अवेलेबल है, ये आपका कैटलॉग इसकी तरह काम करेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है ये आपका इनविटेशन टू ऑफर की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग है और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ऑप्शन ए बोलता है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी एक्सेप्टेंस जो ऑफर के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। बी ऑप्शन में बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस का कोई प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया है तो एक्सेप्टेंस जो है उसी प्रिस्क्राइब मैनर में जो है होनी चाहिए। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज सब्सिस्टिंग टू एक्ट। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस शुड बी मेड While the offer is subsisting to end, acceptance तब होनी चाहिए जब offer जो है end होने पर आ गया है। तो अगर offer end हो गया है तो आप acceptance नहीं कर सकते। Acceptance का जो time है वो एक reasonable time period होना चाहिए offer के cancel या revoke होने के पहले। यानी कि यहाँ अगर हम इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो वो आपका सी ही निकलेगा। एक बार डी भी देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि एक्सेप्टेंस जो है उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए अगर हमें उसको एग्रीमेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अ काउंटर ऑफर इज A rejection of the original offer. B कहता है an acceptance of the offer. C कहता है a bargain. D कहता है an invitation to treat. Dear, याद करिए अभी हमने counter offer की बात की थी। Counter offer क्या होता है? जब जो offer करने वाला person है वो किसी के सामने offer करता है। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने offer किया कि मैं अपनी कार आपको 1 lakh rupees में बेचना चाहूंगी। अब आप अगर इस ऑफर को बिना और किसी शर्त के आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस बनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, आपकी कार मैं 80,000 rupees में लेना चाहूंगा, तो इसका मतलब आपने मेरे ऑफर, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और एक नया ऑफर आपने मेरे सामने रख दिया है। इसका मतलब वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां पे आप मेरे को काउंटर ऑफर कर रहे हैं और मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ए सही होगा। काउंटर ऑफर मतलब मेन ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन
हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आते हैं। अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड, एक पर्सन जो प्रपोजल कर रहा है उसे ऑप्शन ए में इन्होंने प्रोमिसरी बोला, बी में वेंडर बोला, सी में कॉन्ट्रैक्टर बोला और डी में प्रॉमिस बोला। डियर आपको मालूम है ऑफर या जो ऑफर या प्रॉमिस पहले ऑफर करता है उसको ऑफरर, प्रोमिसर या प्रोमिसरी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस किसको बोला जाएगा। तो पहला ए पॉइंट यहाँ पे ये बोलते हैं एन इंक्वायरी एज टू फिटनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक इंक्वायरी की जा रही है जो मेन सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट के उसकी फिटनेस के रिगार्डिंग। अब प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, डियर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो एक्सेप्टेंस है वो आपके ओरिजिनली होनी चाहिए। एडिशन ऑफ सुपरफ्लस टर्म वाइल एक्सेप्टिंग एन ऑफर, इसका मतलब आप काउंटर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक कंडीशन लगा रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक इंक्वायरी जो सब्जेक्ट मैटर, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर उसके फिटनेस के रिगार्डिंग क्या है, एक इंक्वायरी है, तो ये आपका वैलिड एक्सेप्टेंस का पार्ट होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। एक्स ऑफर्स बाय अ लेटर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹5,000। अब केस में देखिएगा क्या लिखा है। वाई एट द सेम टाइम, जिस टाइम एक्स ऑफर कर रहा है लेटर के थ्रू वाई को अपनी कार 5,000 बेचने के लिए, 5,000 में बेचने के लिए, सेम टाइम पे वाई भी एक लेटर के थ्रू एक्स को ऑफर कर रहा है कि वो कार क्या है खरीदना चाहता है ₹5,000 में। दोनों लेटर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पोस्ट में। इज देयर अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स और वाई? डियर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। हाँ ये पता लग रहा है कि दोनों का इंटेंशन सेम है, लेकिन दोनों को ही नहीं मालूम है कि वो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। बाद में ये जो है ऑफर लेटर एक दूसरे के पास पहुंचता है और फिर उसके बाद जब नए सिरे से एक पार्टी की ओर से दूसरी पार्टी को ऑफर रखा जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिलहाल इस समय जो एक्स ऑफर कर रहा है वाई ऑफर कर रहा है, ठीक है, इत्तेफाक से यहाँ प्राइस भी सेम है, इंटेंशन भी सेम है, लेकिन फिर भी डियर हम यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, केवल इंटेंशन होना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। डियर ये जो केस है ये आपका केस क्रॉस ऑफर का है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग ऑफ ऑफर का केस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, सी और डी का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है। राइट डियर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 25 क्वेश्चंस है वो आपका इसके सेकंड पार्ट में आपको जो है मिलेंगे। थैंक यू।